गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कल वाले वीडियो में कि मैं मम्मी पापा के लिए कपड़े लाया था, और मैं बहुत पहले से सोचा था कि एक रेस्टोरेंट जाऊंगा अपने फैमिली को लेके और वहाँ खाना खिलाने। तो आज वो दिन है, तो आज मम्मी पापा को मैं ले जाऊंगा, और अभी तक नहीं बताऊं मम्मी पापा को कि आज कहाँ ले जाने वाला हूँ। वो तो सरप्राइज था कि शर्ट पैंट ला दिया मम्मी पापा के लिए। तो गाइज, तुम्हारा भाई का छोटा सा ड्रीम था वो लग पूरा हो गया। अभी तो बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम है गाइज, अभी तो बहुत सारे सपने हैं। तो वो तो बात की बात है, मेहनत करूंगा तो जाहिर सा बात है वो भी कल को आगे चल के जरूर होगा। और मुझे बिलीव है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, तो जाहिर सा बात है करूंगा यार। और मैं एक ही बात बोलूंगा, मेहनत करते रहो, दिन सबका आता है, सबके लिए होता है। आप ये मत सोचना दूसरे को देख के कि यार उसका दिन आया मेरा दिन कब आएगा। बस आप मेहनत करते जाओ, जितना भी सफर हो, पर एक दिन ना एक दिन आपका मोड़ भी आएगा। देखो यार, मेहनत करते रहोगे तो भगवान भी सोचते हैं कि यार ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए। देखो, जब आप खुद से ठान लोगे कि मुझे कुछ करना है तो भगवान तुम्हारे पीछे साथ देते हैं कि चलो तू चलते बन, तू कर, मैं तेरा पीछे हूं, मैं तेरा साथ हूं। तो गाइज, और बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद रहता ही है, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। भले पैसे से नहीं कर पाते, पर कंधा पे हाथ रखते हैं। मम्मी पापा आप लोग जैसे देखे हो वीडियो में, आशीर्वाद लेता हूँ यार, बड़े का बुजुर्ग का जितना भी मैं आशीर्वाद लेता हूँ। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो आज मम्मी पापा को सरप्राइज देने वाला हूँ, रेस्टोरेंट ले जाने वाला हूँ मैं अपने, तो देखते हैं। एक बार तैयार होके मिलते हैं और वहीं डायरेक्ट चलते हैं। ओके गाइज, सो चलो। और थैंक यू सो मच, इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग की वजह से आज मैं कर पा रहा हूँ जो भी कुछ है। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज, अभी हम लोग निकलने वाले, और मम्मी पापा को अभी तक एग्जैक्ट नहीं बताऊं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और ये मेरा फर्स्ट सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए। मैं बहुत टाइम से सोचा था कि यार जब ऐसा दिन आएगा तो मम्मी पापा को एक जगह ले जाऊंगा, अभी तक नहीं बताऊं मम्मी पापा। सुबह से मम्मी पूछ रही है कि कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ऐसा जगह ले जाएगा, तो मम्मी को अभी तक नहीं बताऊं, पापा को भी नहीं बताऊं। मतलब मैं बहुत टाइम से सोचा था, मतलब कब होगा ऐसा दिन, कब आएगा, और आज फाइनली खुद के दम पे आप लोग का इतना प्यार और इतना सपोर्ट की वजह से आज मैं ले जाने वाला हूँ मम्मी पापा को। और मतलब हार्ट बीट बढ़ जा रहा है गाइस। सो थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो इस गरीब बॉय को। और अभी हम लोग निकलते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। ओके तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी पहुंचने वाले हैं, और फर्स्ट बार है। पापा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खराब फील हो रहा है। तो गाइस, ये तो पहली बार है और मम्मी पापा को ले जा रहा हूँ। ये तो मम्मी पापा का भी पहली बार है और मेरा भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। एक बार मतलब क्या ही बताओ, बोलने के लिए सब दिन ही है यार। मतलब इतना दिन से मेहनत कर रहा था, और अभी तो बहुत आगे जाना है गाइस। मतलब फर्स्ट बार है, अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, और हमारे एक भैया है बगल में। हेलो भैया। तो भैया थोड़ा शर्मीला है, शर्मा रहा है, और अभी पहुंचने ही वाले हैं, और मम्मी पापा को अभी तक नहीं बताऊं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा रहता ना यार थोड़ा, मतलब क्या ना हो तो बात सही है, मगर बिल्कुल हम लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, मम्मी पापा के लिए एक तरफ से सरप्राइज ही है, और मैं भी इस दिन के लिए बहुत दिन से सोचा था कि मम्मी पापा को सरप्राइज देने, तो अभी तो पहुंचने वाले हम लोग। और फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, तो आगे देखते हैं, अब मम्मी पापा को सरप्राइज देते हैं। ओके गाइस, चलो। बहुत अच्छा लग रहा है।
और मम्मी पापा को एक थोड़ा भी नहीं बताया था कि क्या चीज़ होने वाला है। खाना भी तो बाकी है, तो चलो अब चलते हैं, इसी बार आप लोग से वहाँ बात करते हैं। तो गाइज मैं फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुका हूँ और मम्मी पापा मतलब क्या ही बताए, बहुत ही खुश है। और मम्मी पापा बोल रहे कि कहाँ लेके आ गया तू, मतलब क्या ही बताओ, आप लोग समझ सकते हो यार, फर्स्ट टाइम होता है और मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैं मम्मी पापा को लाया हूँ अपनी मेहनत से। तो और देखते हैं अभी, मतलब मेरे घर से कुछ काफ़ी दूर है ये रेस्टोरेंट पड़ता है, तो अभी मम्मी पापा के लिए ऑर्डर करते हैं। मम्मी बोलिए जीरा राइस खाएगी तो उनके लिए ऑर्डर कर दिया हूँ। और हाई मैं पापा तो वही बटर नान खाएंगे, बटर नान मसाला, तो अभी ऑर्डर हो गया है, अभी आने वाला है। पापा कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस बोल दिए। हेलो गाइस। तो गाइस देख सकते हो मम्मी पापा खुशी, मम्मी उधर बैठी आप लोगों को दिखाते हैं। पहुंच गया हूं अभी, और फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा को भी। कैसा लगा पैदल आए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मम्मी कहाँ? मम्मी चली गई। तो गाइस मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा यार, मतलब क्या ही बता सकता हूँ। फेस में स्माइल देख सकते हो आप लोग, कैसा उभर रहा है ना, पेट भर के खाया, बहुत मस्त था। तो गाइस मतलब देख रहे हो ना, गरीब बॉय आप लोग का प्यार और सपोर्ट से। और नेक्स्ट टाइम कब चला जाएगा आपा? जब नेक्स्ट टाइम में कह, मतलब कि जब पेमेंट होगा दूसरा तब सोचा जाएगा। नेक्स्ट टाइम तो मतलब गाइस बहुत ही, मतलब फर्स्ट टाइम था यार, मतलब कि करना है तो कर लिया इस बार। हेलो गाइस। अरे गाइस क्या बोलेंगे, कल तो सावन क्या क्या किया हमको कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए पता नहीं चला कि बोला कि पापा आप लोग के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, तो हम बोले क्या खुशी का दिन भाई, क्या खुशी का दिन है, वो बताए भी नहीं जवान कहने मतलब है कि। और गाड़ी बुक किया और कहने मतलब के ले गया हम लोग को सीधा डायरेक्ट होटल में घुसा दिया, होटल में घुसा दिया। तब तो बड़ा होटल था, हमको तो समझ ही नहीं आया जिंदगी में, लाइफ में तो फुटपाथ होटल में, छोटा मोटा होटल में घुसे हैं, सिंगाड़ा वाड़ा खाए हैं, आलू चाप खाए हैं, जलेबी खाए हैं, ये सब खाए हैं, मगर बड़ा होटल में ले गया। तो हम तो देखे वहाँ का होटल का रौनक, तो हम तो खुद लाइफ में जिंदगी में कभी हम सोचे नहीं थे कि इस होटल में घुसेंगे, और लड़का घुसा दिया तो हम भी अचम हो गए। तो हम बोले सांड जो बेटा क्या चीज़ लाया, तो बोले पापा आज करें मतलब है कि आज हम कहने मतलब है कि आप लोग को खुशी देना चाहते हैं। और लड़का कहने मतलब कि सावन खुशी देने के चक्कर में बड़ा होटल में लेके गाड़ी बुक कर दिया, और उसके बाद होटल में बैठे तो हम तो बड़ा बड़ा आदमी था, हम तो छोटा आदमी, हम क्या जाने कि क्या होता है। और कहने मतलब है कि ले गया बड़ा होटल की, और उसके बाद ऐसे ही ये सब तो इंग्लिश में था, एक बायोडाटा निकाला लिस्ट, वो कहने मतलब पूरा इंग्लिश में था, तो इंग्लिश में था तो वो क्या क्या लिखा हुआ था, ये लोग क्या क्या साउंड किया और मंगाया, तो वही इतना जानते हैं कि रोटी था, तंदूरी रोटी था ना जी, तंदूरी रोटी था, जीरा राइस था, और जीरा राइस भी था, और जीरा राइस था, और डोसा, हाँ डोसा तो खाए, डोसा जानते हैं, और कहने मतलब है कि और क्या क्या था हमको पता नहीं, खाए पिए। उसके बाद उससे कहने मतलब है कि देखिए बात रही है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब बोर भी महसूस हो रहा है कि बड़ा बड़ा आदमी के सामने तो बैठेंगे तो बोलेगा देखो कहाँ से आ गया, कैसा आदमी, ऐसा महसूस हो रहा था, मगर फिर भी लड़का खुशी के लिए, और लड़का इतना मेहनत किया उसके बदले तो उसका खुशी भी तो देखना होगा। खाए पिए तुम लोग को सरप्राइज देंगे, तो हम बोले ले जाएंगे, तो हम बोले तो छोटा मोटा टेम्पो लाएगा तो आते ना बेटा, बोल रहे चलो ना तुमको जाने से मतलब है ना, ये तो देख रहे हैं वहाँ पर बुकिंग गाड़ी खड़ा है, फिर कितना खुशी खुशी बैठे और गिए और खाए। आप लोग का गाइस ऐसे प्यार और सपोर्ट रहा तो
एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपने दम पे मम्मी पापा को खुद के कार पे ले जाना चाहता हूँ यार, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करना और इतना प्यार दे रहे हो, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, वो तो आप लोग कर ही देते हो, सो थैंक यू सो मच आप लोग मेरे साथ खड़े हो। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, खुशी-खुशी सब कर दीजिएगा। आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस, अभी जाके अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सावन लवर करके मेरा आईडी है, तो जाके वहां भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो जाओ जाके फॉलो कर लेना। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे प्यार देना, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।